सागर को मिली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात। सागर के विद्यार्थी जो नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मिला यह अनमोल तोहफा। अत्याधुनिक स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षित और अनुभवी फैकल्टीज, जिन्हें देश के विभिन्न कोनों से चुनकर लाया गया है, जो अपने अपने विषयों में परिपक्व एवं शिक्षा की ओर समर्पित हैं। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज में, एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं शिक्षा के एक बड़े संस्थान बंसल क्लासेस में, जो कि अपने आप में विश्व विख्यात संस्थान है, जिनकी मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य कई राज्यों में ब्रांचेस हैं, 80 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और करीब 42 साल का संस्थान का अनुभव है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर को बंसल क्लासेस की सौगात प्राप्त हुई। इसको शिक्षा के क्षेत्र में अगर एक स्तंभ कहा जाए, एक लैंडमार्क माना जाए, तो ये गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर श्री आलोक जैन सर जी से। आलोक सर, आपका ये नमस्कार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बताएं हमारे दर्शकों को अपने संस्थान के बारे में। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूँ। सागर के निवासियों को, सागर की जनता को, खासकर पूरे बुंदेलखंड की जनता को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं ये यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सागर में ये बंसल क्लासेस कोटा का सेंटर स्थापित हुआ है। 7 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। बंसल क्लासेस कोटा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि विश्वविख्यात कोचिंग की संस्था है, जिसने देश को लाखों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स दिए हुए हैं। 42 सालों से अनवरत ये कोटा के द्वारा अपने देश में विभिन्न जगह में स्थापित सेंटर्स के द्वारा ये देश के बच्चों को बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा दी जा रही है, नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए IIT, NIT और MBBS, AIIMS वगैरह में एडमिशन के लिए बहुत ही बढ़िया फैकल्टी, उनका कोर्स, उनके डिलीवरी वगैरह जो भी है, अपने टेस्ट वगैरह सब वो कोटा से ही संचालित करते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि देश में कभी भी शिक्षा के लिए जो भी चेंजेस आते हैं, वो इमीडिएटली वहाँ उनकी रिसर्च टीम है, जिसके द्वारा उसको अपने सिलेबस में ले लेते हैं और वही की वही डिलीवरी वो अपने बच्चों को देते हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं, सागर में ये बंसल कोटा का ये पहला सेंटर आया है, MP का ये पहला सेंटर है। सागर में भी हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी आई हुई है, सारी की सारी फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कोटा के द्वारा भेजी गई है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, सारे बहुत सारे फैकल्टी जितने भी हैं वो या तो IITians हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इवन जूनियर क्लासेस के लिए भी जो फैकल्टी है वो सब कोटा से ही है। इंग्लिश और सोशल सब्जेक्ट जनरली जो कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता है, उसके लिए भी फैकल्टी यहाँ पर आई है, वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ के क्षेत्र की इंग्लिश में थोड़ा बच्चों की कमी रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट उन्होंने लिया है ताकि बच्चों को किसी तरह की कमी ना हो। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं 5 मई को देश के बहुत बड़ा एग्जाम NEET UG, जिसको बोलते हैं MBBS में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए एग्जाम, NTA द्वारा किया जा रहा है। भारतीय संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, जो टेस्ट करवाती है, जिसके द्वारा MBBS डॉक्टर्स में सिलेक्शन होता है। MBBS, BDS, AUS बहुत सारे क्लासेस उसमें गूगल में। तो अब मैं सबसे पहले बच्चों के लिए, जिन्होंने लाखों बच्चों ने तैयारी की है, उन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक मतलब शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने हजारों लाखों घंटे पढ़े हैं, साल दो साल 3-3 साल मेहनत की है। उनका ये समय है कल 5 मई को अपना बेस्ट देने का। द एसेंस ऑफ देयर हार्डवर्क, देयर इंटेलिजेंस एंड देयर नॉलेज हैज टू बी कम आउट टू
exam hall. So all the students, all the persons have to be patient, attentive, and अपने आप में temperament को maintain करें. Confident. Be confident. Don't be impatient. Trusted मत होइए. आराम से संयम के साथ एक एक क्वेश्चन को देखकर उसका हल लिखिए ताकि आपकी जो हजारों लाखों घंटे की मेहनत है इस सफल है. एक चीज और तर्मण्य वादिदा रस्ते माँ फलेसु कदाचन गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है, ये बहुत बड़ी बात है. हमें अपना फल करना है, फल हमें अपना कर्म करना है, फल तो अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा. सर जैसे आपके ये संस्थान है, इतना नामी ग्रामी संस्थान है आपका जी, तो दूसरे भी जो अन्य संस्थान हमारे यहाँ हैं जी, सबका कहना रहता है हमारा अच्छा हमारा अच्छा जी, अपन किसी की बुरा नहीं, बिल्कुल नहीं करना. आपके संस्थान की क्या विशेषता है? हाँ, हमारे संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सारी फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है. जैसे केमिस्ट्री में मिस्टर कासिफ हैं, मोहम्मद कासिफ सर हैं हमारे, 22 साल का एक्सपीरियंस है जी, 22 साल से खुद ही संस्थानों में पढ़ा रहे हैं और पता नहीं कितने इंजीनियर डॉक्टर उन्होंने बना दिए हैं. बायोलॉजी में हमारे मैडम शिवांगी शर्मा हैं जी, जो खुद ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं. और अभी आप देख रहे हैं पलक जादू का अभी निकल गया है जी, उन्होंने पिछले साल उन्होंने उस बच्ची को पढ़ाया जिसके 705 मार्क्स से एम्स में उसका एडमिशन हुआ है, वो यहाँ पर पोस्टेड है जी. जी बहुत अच्छी बात. मिस्टर अभिमन्यु सर हैं हमारे मैस में है, मैस की फैकल्टी, ही इज IITian फ्रॉम दिल्ली, बंसल से ही कोचिंग करके वो IITian बने, दिल्ली में एडमिशन हुआ दिल्ली IIT से. उसके बाद फिर भी उनका इतना देखिए पढ़ाने में उनका इतना रुचि है, तो 7-8 साल से वो बंसल में मैस की कोचिंग दे रहे हैं. उन्होंने ही अभी अलीगढ़ सेंटर से मूल सरस्वत जैसे बच्चों को निकाले जिसके 100% बैड मार्क्स आए, 99.9%. आप ये कहना चाहते हैं कि काफी एक्सपीरियंस है सबको पढ़ाने में जी हाँ. और किसी के और किन किन कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम्स की आगे आप और तैयारियां करवाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन किन किन क्षेत्रों में करेंगे आप? पहले तो सबसे पहले तो IIT NIT जी, इसके अलावा मेडिकल का जी, फिर जूनियर क्लासेस के लिए ओलम्पियाड का, डिफेंस का जी, सबका हम लोग यहाँ तैयारी करवा. और हमारा एम है कि बच्चों को सब अच्छी से अच्छी शिक्षा दें जी, जी उनका मनोबल बढ़ाए, साथ साथ उनको एक क्वालिटी एजुकेशन है जी, जो शायद उनको नहीं मिल पाती है जी. जी, जी. सर और कोई विशेष अपन कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम या कोई जैसे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं या जो पढ़ने में होशियार हैं लेकिन प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर पैकेजेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान आपका? बिल्कुल, जैसे इसमें हमारे जो कोटा में सभी सर हैं जो संस्थान के फैमिली है उनका भी कहना है और हमारा भी कहना है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं. जो इस तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को हमने फ्री में भी एडमिशन दिए है, कुछ बच्चों को हमने आधी फीस में एडमिशन दिए हुए हैं, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं उनको हम 90% स्कॉलरशिप कर देते हैं अप्रेंटिसशिप ट्यूशन में. जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उनको हम बहुत हेल्प करते हैं. और इस संस्थान का बंसल का ये सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं USP है कि हम बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. हमें संस्थान को पढ़ाई को बिजनेस नहीं बनाना है जी. बहुत अच्छे, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, देश को अच्छे नागरिक मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे इंजीनियर्स मिले, ताकि अपना अपने समाज का और देश का नाम रोशन हो, डेवलपमेंट हो. जैसे कि अभी आपके इतने सारे क्लासेस ब्रांचेस हैं जी, संस्थान हैं अलग अलग जगह, तो कुछ आपको आंकड़ा होगा कि करीब कितने बच्चे आज अपने संस्थान से जुड़े हुए हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अभी करीब करीब 80 संस्थान 80 सेंटर करीब करीब ऑल इंडिया में बंसल के खुल चुके हैं जी, और हम खुलते भी जा रहे हैं वो भी जा रहे. तो ये मान के चलिए करीब करीब 80,000 से लेकर 1,00,000 बच्चे अभी संस्थान में हमारे टोटल बंसल्स में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग.
हाँ, अलग अलग प्रदेश में शहर जी अलग अलग जगह पढ़ाई और आपके द्वारा पढ़ाए गए आपके संस्थान के द्वारा मार्गदर्शन से आपकी फैकल्टी द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कुछ आप बता पाएंगे कुछ लोग जो आज विशेष पदों पर बैठे हुए हैं कोई विशेष जॉब में है कुछ ऐसा आपको अभी ये तो क्या 42 सालों से अनवरत IIT और डॉक्टर्स बना रहे हैं मैं अभी रिसेंटली बहुत एक हालांकि कहूँ ना कहूँ एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है उदाहरण है बंसल क्लासेस कोटा से पास आउट हो गए 2008 में IIT में सिलेक्शन हुआ वो व्यक्ति इसमें उन्होंने पहले IIT पास की BHU वाराणसी से उसके बाद उन्होंने UPSC की सिविल सर्विसेज से सिलेक्ट होके इसमें वो SP है वो बिहार में पदस्थ हैं ललितपुर के रहने वाले हैं अब मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगा सुशांत सुशांत अब मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि बीच में जो कोरोना के समय सुशांत सिंह केस हुआ था बॉलीवुड का जी जी उसकी इंक्वायरी के लिए बिहार से एक SP रहे थे जी जी वो पर्सन बहुत अच्छी बात आगे आप हमारे व्यूअर्स को ये और क्या जानकारी देना चाहेंगे अपने संस्थान के लिए हम अपनी तरफ से सागर संस्थान की तरफ से ये बोलना चाहेंगे कि सागर में स्पेशली बुंदेलखंड और सागर के बच्चों के लिए ये बंसल कोटा की तरफ से संस्थान खोला गया है यहाँ पर कोटा के लेवल की ही फैकल्टी है कोटा के लेवल की एजुकेशन दी जा रही है तो ताकि यहाँ के बच्चों को जो आजकल परेशानी आ रही हैं बाहर जाके रहने की खाने की सिक्योरिटी की सेफ्टी की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे पेरेंट्स के फ्रस्ट्रेशन की पेरेंट्स की भी समस्याएं रहती हैं तो वो सब समस्याएं ना आए इसलिए इस सागर में इन्होंने संस्थान की स्थापना की है ताकि आसपास के बच्चे जो भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना जाना पाए उसी क्वालिटी की कोचिंग यहाँ मिल जाए ताकि उनका बहुत अच्छा थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय लिया मेरे लिए DMS TV में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं एवं अपने सभी विद्यार्थी भाइयों को मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक EMS TV के लिए सागर से संवाददाता सक्षम जैन एवं साकेत जैन की विशेष रिपोर्ट